आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है जो घुटनों की समस्या से परेशान हैं। घुटनों में दर्द रहता हो, ज़्यादा देर आप खड़े ना रह पाते हो, डॉक्टर ने आपको ये कह दिया है कि आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। कुछ लोग घुटनों का ऑपरेशन भी करा लेते हैं लेकिन फिर भी वे सही से चल नहीं पाते हैं। वीडियो को पूरा देखें। वेलकम बैक टू माई चैनल सॉल्यूशन YND, जहां मिलता है हेल्थ से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचुरल तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स, अगर आप और लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं कम से कम 3 लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आजकल घुटनों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। घुटनों की समस्या तब शुरू होती है जब घुटनों के जोड़ में जेली जैसे पदार्थ, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, में घिसाव होने लगता है। इससे घुटने की हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और घुटने में सूजन, अकड़न और दर्द होने लगता है। वजन बढ़ने से घुटनों पर दबाव ज़्यादा बढ़ता है। वजन जितना अधिक होता है उसका 5 गुना अधिक दबाव घुटनों पर पड़ता है। घुटने का जोड़ बिना किसी मजबूत मसल के सहारे के पूरे शरीर का बोझ उठाता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में बोन मास जल्दी खोती हैं, इससे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों के खराब होने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। अगर 1 साल से अधिक समय तक घुटनों में दर्द रहता है, उसका कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको गठिया भी कहते हैं। घुटनों की मजबूती बनाए रखने के लिए आज मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम करने हैं। अब आप अपनी मैट पर बैठ जाएं, पैरों को सीधा खोल दें। अब पैरों की उंगलियों को आगे पीछे झुकाएं, उंगलियों को नीचे की तरफ झुकाते हुए सांस भरें और अपनी तरफ लाते समय सांस को छोड़ दें। फिर यही अभ्यास आपको दोनों पैरों से एक साथ करना है। पैरों को नीचे झुकाते हुए सांस भरें और अपनी तरफ लाते समय सांस को छोड़ दें। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, पैरों से सर्कल बनाना है। पैरों को नीचे झुकाते हुए सांस को भरें और ऊपर की तरफ लाते समय सांस को छोड़ दें। दोनों पैरों से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। अब करेंगे नेक्स्ट अभ्यास। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपनी थाई को घुटने से मोड़कर थाई को नीचे से अपने हाथ से ग्रिप कर लें और पैर को सांस भरते हुए सामने की तरफ खोल दें और पैर को मोड़ते हुए सांस छोड़ दें। आपको सांस पर ध्यान रखना है और जहां पर भी आपको खिंचाव आ रहा है मसल्स में, वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर को सीधा खोल दें, सांस छोड़ते हुए पैर को फोल्ड करना है और आपका पैर मैट से टच नहीं होना चाहिए। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ये अभ्यास थोड़ा हार्ड होता है जिसको हाई बीपी हो, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। अब हमें एक एक पैर से सर्कल बनाना है। आप वही थाई को हाथ से ग्रिप कर लें और पैर को ऊपर ले जाते समय आपको सांस भरनी है और नीचे लाते समय सांस को छोड़ना है। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। हाफ सर्कल में आपको सांस भरनी है और हाफ सर्कल में सांस को बाहर निकालना है। सेम यही अभ्यास आपको दूसरे पैर से भी करना है। पैर को फोल्ड करेंगे, थाई से ग्रिप करेंगे और सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल में सांस को भरना है और नीचे लाते समय हाफ सर्कल में सांस को बाहर निकाल देना है। सर्कल बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। अपनी शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको ये अभ्यास करना है। आपको जोर जबरदस्ती से कोई अभ्यास नहीं करना है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने घुटनों के ज्वाइंट के नीचे रख लेंगे और घुटनों के और मुट्ठियों के ऊपर घुटनों का प्रेशर डालने की कोशिश करें। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए मुट्ठियों के ऊपर प्रेशर डालें। कम से कम 40 से 50 बार आपको यह अभ्यास करना है। अगर आप ये अभ्यास रेगुलर करते हैं,
आपको घुटनों की समस्या में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, इससे मसल्स में खिंचाव आएगा और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये अभ्यास आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो आप अपने बेड पर बैठे बैठे भी ये अभ्यास करते हैं, लेकिन प्लीज़ अब ये अभ्यास स्किप मत कीजिए, आपको दिन में दो बार ये अभ्यास जरूर करने हैं। अब आप सीधे बैठ जाइए और पैर को फोल्ड कर लें और दूसरे पैर की थाई पर रख लें, पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़ें, राइट हैंड से घुटने को ऊपर नीचे करना है, सांस को भरते हुए घुटने को ऊपर लाना है, छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। ये हुआ। अब दूसरे पैर से भी सेम ऐसे ही करना है, सांस भरते हुए घुटने को ऊपर लाएं, छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएं। कम से कम 10-10 बार दोनों पैर से करें। अब दोनों हाथों की फिंगर इंटरलॉक करके अपने दोनों पैरों को पकड़ लें और हाथ आपके एकदम सीधे होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए, और कमर गर्दन एकदम सीधे, और सांस भरते हुए दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ लाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाना है। और जिन लोग जो स्टार्टिंग में ये अभ्यास कर रहे हैं उनको धीरे धीरे अभ्यास करना है, उसके बाद आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जिनको साइटिका पेन है या कमर दर्द है ज़्यादा, वो ये अभ्यास नहीं करें, धीरे धीरे उनको ये अभ्यास करें, फिर पैरों को सीधा खोल दें और टैपिंग करें। ये थे अभ्यास आपके घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे।